ये जो मार्केट इंस्पेक्शन हो रहा है ये हमारा दूसरा है। पिछले साल हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट वाइड मार्केट सर्वे का इंस्पेक्शन किया था, तो आज का ये हमने गुमतो, अम्बा और एमची में मार्केट इंस्पेक्शन किया। इस मार्केट इंस्पेक्शन के थ्रू मैं अपने पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ दिल से। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ तक ये ट्रेडिंग लाइसेंस या रेवेन्यू जनरेशन का सवाल है, तो हम मार्केट इंस्पेक्शन करने से 2 साल पहले हमारा जो रैंकिंग हुआ करता था वो 20 out of 26 DCs हमारा 18 रैंक में था। लेकिन जब हमने मार्केट सर्वे का इंस्पेक्शन स्टार्ट किया 2021 से और आज तक ये 2 ईयर्स होने ही वाला है, तो हमने इस दौरान लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट को जंप करके आज हमारा रेवेन्यू जनरेशन में DC यूपिया 8 नंबर में है, टॉप 10 में हमारा एंट्री हो चुका है। अभी रिसेंटली अक्टूबर लास्ट में ये रैंकिंग रिपोर्ट आया था। और जो रेवेन्यू जनरेशन जो बोलता है 100% नहीं, 200% नहीं, मोर देन 300% हमारा एनहेंसमेंट हुआ है विद इन लेस देन 2 ईयर्स। इसलिए मैं पापुमपारे के जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। आप लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, साथ दिया और मार्केट को स्ट्रीमलाइन करने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया। और ये जो मार्केट इंस्पेक्शन अभी चल रहा है इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल का मेंबर्स है, टैक्स एंड एक्साइज का मेंबर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स का मेंबर्स है। आज इस मार्केट इंस्पेक्शन के दौरान जितना हो सकेगा पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि जिनका लाइसेंस जो रिन्यू नहीं है उसको हमने ऑन द स्पॉट रिन्यू किया, जिनका लाइसेंस पुराना हो गया पड़ गया उसको हम प्री ऑफ कॉस्ट ऑन द स्पॉट न्यू लाइसेंस इशू कर दिया, और फिर जो लाइसेंस नहीं बनाया है उनको हमने एप्लीकेशन फॉर्म्स दिए और उनको लाइसेंस बनाने को जो जो डॉक्यूमेंट जरूरत होता है उसको भी हमने बता दिए। यस, कुछ कुछ जगहों से पर्टिकुलरली जो स्कूल एंड ये जो रिलीजियस प्लेसेस है, चर्च एंड मंदिर, उसके आसपास के दुकानों में हमने कई सारे इलीगल अनऑथोराइज जो अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स को सीज करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है ये बोलता है कि आप रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि मंदिर हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, उसका 100 मीटर के दायरे में, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्कूल कॉलेज उसका 100 मीटर के दायरे में आप अल्कोहल या टोबैको प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर सकता है। तो टाइम एंड अगेन ये हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताता है और आज भी हमें कुछ जगहों से ऐसा आइटम सीज करना पड़ा। जब ऐसा आइटम सीज होता है तो उसमें हम पेनल्टी भी कलेक्ट करता है, तो जो शॉपकीपर्स हैं उनका आइटम भी सीज हो रहा है और उनको पेनल्टी भी देना पड़ता है। इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ, आप लोग ये चीज़ को जानिए, स्कूल कॉलेज के आसपास में, रिलीजियस प्लेसेस के आसपास में टोबैको प्रोडक्ट या अल्कोहल प्रोडक्ट सेलिंग मत कीजिएगा। सर, आज मार्केट इंस्पेक्शन का द्वारा आप लोग ने कितना फाइन कलेक्ट किया? फाइन कलेक्शन तो अभी कैलकुलेशन तो हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी कैलकुलेशन हुआ वो हमारे रिकॉर्ड में है। पेनल्टी ऐसा होता है कि वो चालान जो है वो TR5 में कलेक्शन होता है, उसका 2 पेजेस होगा, एक हम शॉपकीपर को देता है, दूसरा ऑफिस रिकॉर्ड में रहता है, तो ऑफिस रिकॉर्ड वाला को देखकर हम कैलकुलेट करके वो हम रिपोर्ट पेपर में वो कल तक पब्लिश हो जाएगा। एंड यस ऑफ कोर्स, कुछ कुछ जगह में ऐसे है कि शॉपकीपर्स लोग बोलते हैं लाइसेंस है लेकिन अभी नहीं मिल रहे हैं, कोई कोई बोलता है कि अप्लाई करके रखा है, तो ऐसे वाला केसेस में भी हम लोगों ने चालान तो कटा है लेकिन विथ एश्योरेंस कि आप ये पेपर को लेकर आइए ऑफिस में और आपका लाइसेंस को दिखाइए, हम आपको 100% रिफंड कर देगा, वो प्रोविज़न है। अगेन जो मैंने पहले बोला था, हम ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद अभी लगभग 2 साल हो रहा है, आज तक हमने एक भी ट्रेडिंग लाइसेंस अल्कोहल के लिए या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए स्कूल एंड कॉलेजेस एंड रिलीजियस प्लेसेस के सामने हमने नहीं दिया। पहले वाले जो गलती से जो इशू कर चुका है उसको भी हम लोग अभी वो पर्टिकुलर आइटम को हम लोग कैंसिल कर रहा है। अगर वो लाइसेंस आप तो देते तो उसमें हम शॉपकीपर्स का जो उसमें फीस जो खर्चा हो गया उसको भी हम रिफंड कर दे रहे हैं। सर, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि इलीगल आइटम को आप बर्न कर रहे हैं तो इससे पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, सर उसका अलग ऑप्शन है क्या ऑप्शन करने के लिए? जो भी इलीगल आइटम सीज होता है वो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन में रहता है, उसको ऑक्शन करके थर्ड पार्टी को एक अच्छा रेट में सेल भी कर सकता है और फिर उसको ऐसा कस्टडी में डिस्पोज कर सकता है। तो हमारा जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी इलीगल आइटम सीज हुआ उसको यहाँ सभी के सामने, इसलिए मीडिया भी आया, मीडिया के सामने हमने इसको डिस्पोज किया। पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पापुमपारे पब्लिक सर्विस के लिए हमेशा कोशिश करता है पब्लिक सर्विस को आपका घर तक लाने के लिए, और ऑफिस हमारा खुला हुआ है, आप ऑफिस में आए हम आपको मदद करेंगे ट्रेडिंग लाइसेंस इशू करने के लिए। थैंक यू सो मच।